क्यूबलेस से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप इस पिरामिड पजल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ दो एल्गोरिदम की मदद से। तो एक्चुअली इसमें तीन एल्गोरिदम है लेकिन एक एल्गोरिदम सिर्फ मिरर है, तो मैंने बस इसको दो ही एल्गोरिदम कंसिडर किया है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये पजल सॉल्व करना आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पजल को जान लेते हैं कि पजल क्या है। तो इस पजल में टोटल चार कलर है, चार साइड है, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन इसमें जो पीसेस है उसको पहले जान लेते हैं। तो ये कॉर्नर पीस होता है, इसको टिप्स बोलते हैं, एक्चुअली कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर में ही लेकिन इसको टिप्स बोलते हैं। तो ये पीस अपनी जगह से हिलता नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे गोल गोल घूमता रहता है, इसको हम टिप्स बोलते हैं। सेकंड जो पीस है वो है एज पीस। तो ये यहाँ पे एज पीस है, तो दो टिप्स के बीच में एक एज पीस होता है। ये एज पीस नहीं है, ये एज पीस है क्योंकि यहाँ पे एक एज आप देख सकते हैं, ये एक एज पीस है, एक एज पीस है, पीछे भी ये एक एक और ये एक एज पीस है। एंड सबसे एंड में सेंटर पीस। तो ये सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस है। तो आप बोलोगे सेंटर में तो नहीं है, लेकिन इसको सेंटर पीस क्यों बोलते हैं? तो कोई भी पजल में जो पीस कॉर्नर या फिर एज भी नहीं होता उसको हम सेंटर पीस बोलते हैं। तो 3x3 में जैसे कि ये सेंटर पीस था, ये कॉर्नर, ये एज एंड ये सेंटर, क्योंकि ये कॉर्नर पे भी नहीं है, एज पे भी नहीं, बीच में ही है, इसलिए सेंटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सेंटर कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में सेंटर में नहीं है, लेकिन तीन पीस मिला के इसका सेंटर बनाते हैं। तो कुल मिला के हमको इसको ही सॉल्व करना है। हमें पहले एक लेयर सॉल्व करना है नीचे वाला, देन ये वाला लेयर, एंड ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं मूव्स के बारे में। तो इस ये कैसे टर्न होता है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कैसे इसको टर्न करना है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक जो साइड है, हर एक साइड की जो कॉर्नर है उसको पकड़ के आप टर्न कर सकते हो। जैसे कि ये ऊपर वाली साइड है, इसको टर्न कर सकते हो, बीच वाली है उसको पकड़ के टर्न कर सकते हो। आप टिप्स को भी कर सकते हैं, लेकिन टिप्स अपनी जगह पे ही रहती है। एंड दूसरी जो लेयर है उसको हमें टर्न करना है हर बार। तो ये है आर वाला, राइट वाला लेयर, देन ये है लेफ्ट वाला लेयर, हमेशा मिडल लेयर को घुमाना है, देन अपर लेयर ये वाला, तो ये मिडल वाला लेयर है, अपर भी, बी वाली लेयर भी है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करने वाले तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें एक्चुअल में तीन ही लेयर यूज़ करनी है, ये आर वाला, ये एल वाला एंड ये यू वाला। इसका यूज़ करके ही हम इस पूरे क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली पिरामिड्स पजल है लेकिन इसको क्यूब में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि क्यूब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसको क्यूब में काउंट करते हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी शुरू करते हैं इस पजल को सॉल्व करना। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली स्टेप है आपको सभी जो है टिप्स को मैच करना है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलती नहीं, अपनी जगह पे मतलब घूमती रहती है। तो सिर्फ एक टर्न में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये टिप्स जो है मैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर पीस के साथ मैच करनी है, आपको कुछ ये शेप बनेगा। देन अभी ये टिप्स जो मैच नहीं है तो इसके बाद हम एक बार घुमाएंगे एंड ये मैच हो जाएगी, देखो। एंड अभी दो टिप्स बचे हमारे, ये सॉल्व है, ये सॉल्व है। अभी ये टिप्स को घुमाते हैं ग्रीन वाली साइड में एंड ये सॉल्व हो गई। बची वाली ये, इसको भी एक बार घुमा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे टिप्स सभी सॉल्व हो चुके हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है टिप्स को सॉल्व करना। अभी सेकंड स्टेप, अभी हमें येल्लो बनाना है। तो येल्लो बनाने के लिए हमें ढूंढना है कि कौन से तीन कॉर्नर में येल्लो है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे एक येल्लो दिख रहा है हमें, इस कॉर्नर में येल्लो है। देन सेकंड ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में येल्लो है। एंड थर्ड कॉर्नर अभी देख सकते हैं, इसमें येल्लो है लेकिन इसमें येल्लो नहीं है। तो जिन तीन में येल्लो है उनको हमें ऊपर पकड़ना है। तो इन तीनों कॉर्नर को हमने ऊपर पकड़ा क्योंकि इसमें येल्लो है, ये येल्लो और इसमें भी येल्लो है। तो इसी साइड में हमारा येल्लो बनाएगा क्योंकि इन तीनों कॉर्नर में येल्लो है, ना कि इस साइड में। आप देखोगे कि यहाँ पे आप येल्लो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे येल्लो है ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। तो हमारा येल्लो बनेगा ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनके कॉमन फेस में यहाँ पे। तो इसको हम घुमाएंगे, टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से, देन इस लेयर को टर्न करेंगे, ये दो येल्लो आ गए, एंड फिर इस लेयर को टर्न करेंगे एंड ये हमारे येल्लो आ गए। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इनको निकाल देता हूँ। तो ये हमारा बन गया क्रॉस। तो
सेंटर मैच कर दी, हमारा क्रॉस बन गया। तो ये अजीब क्रॉस बोल सकते हैं, 3x3 अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्रॉस थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन हम पिरामिड्स में इसी को ही क्रॉस बोलते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी और इंट्यूटिव है। तो एक बार फिर से दिखा देता आपको। तो हमें येल्लो ढूंढना है, यहाँ पर येल्लो है, यहाँ पर येल्लो है एंड यहाँ पर येल्लो नहीं है, तो इस फेस पर येल्लो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर येल्लो है, तो इन तीनों कॉर्नर में येल्लो है, तो इस फेस पर येल्लो बनेगा। तो यहाँ पे येल्लो आ गया, यहाँ पे एक येल्लो आ गया एंड यहाँ पे येल्लो आ गया एंड ये हमारा बन गया क्रॉस। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाए, मतलब एक क्रॉस बन जाए, तो इसको हमें नीचे पकड़ना है, येल्लो को हमें नीचे पकड़ना है, क्योंकि हमें अभी ऊपर का लेयर एंड बचे हुए एजेस भी लगाने हैं। तो यही एजेस ढूंढने के लिए हमें इसको नीचे पकड़ना है। तो येल्लो क्रॉस हो गया हमारा, इसको नीचे पकड़ना है। फिर ये जो लेयर है बीच वाला, इसमें हमें येल्लो ढूंढना है। तो ये येल्लो है, हमें मिल गया एक येल्लो, इसके पीछे रेड है। तो रेड है इसलिए हम रेड को सामने रखेंगे। तो बेस वाले लेयर बॉटम लेयर में रेड ढूंढेंगे एंड उसको सामने रखेंगे एंड उसके बाद इस पीस को यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड येल्लो एंड ये रेड येल्लो यहाँ पे लगेगा। लेकिन अभी ये रेड को सामने नहीं रखना है, येल्लो को सामने रखना है। हमेशा येल्लो एज लगाते टाइम येल्लो को ही सामने रखना है। आप कई बार ऐसे रख सकते हो, मतलब आपको लगेगा मैच हो रहा है इसलिए ऐसे रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रखना। आपको जो येल्लो ढूंढा है हमने उसको ही हमें सामने रखना है, तभी आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो अभी हमें इस पीस को लगाना है यहाँ पे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, ये हमारा पहला फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। तो इस पीस को यहाँ पे लगाने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करना है एंड हमेशा याद रखना है कि येल्लो को सामने रखना है। तो इसको ऐसे लगाएंगे हम, पहले राइट वाला लेयर, तो इसको कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं इस सेंटर पीस को एंड फिर इसको कुछ इस तरीके से। तो अभी ये फार्मूला ऐसे अप्लाई करना है, राइट वाला डाउन राइट अप लेफ्ट अप। तो ऊपर मैं लिख भी दूंगा, तो फार्मूला फिर से दिखा देता हूँ, राइट डाउन राइट अप लेफ्ट अप, यही ये फार्मूला है हमारा पहला फार्मूला। देन फिर से हमें और एक इस लेयर में येल्लो ढूंढना है, ये येल्लो, इसके पीछे कौन सा कलर है वो देखना है, ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन चाहिए, तो ये ग्रीन हमें सामने रखना है एंड जब ग्रीन सामने पकड़ो तो जो पीस लगाना है इस लेयर में, जो पीस है उसको लगाना है, उसका येल्लो भी हमें हमारे सामने रखना है, ना कि ऐसे रखना है। तो यहाँ पे आपको लगा कि ग्रीन मैच हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रखना है, येल्लो सामने रखना है। अभी इसको यहाँ पे लगाना है, तो वही फार्मूला यहाँ पे अगर होगा तो यही फार्मूला यूज करना है, राइट डाउन लेफ्ट अप सॉरी राइट अप एंड लेफ्ट अप, देन आपका ये पीस भी लग जाएगा। तो अभी हमारे दो एजेस हमने लगा दिए, अभी हमें तीसरा एजेस लगाना है। तो फिर से सेम प्रोसेस, मिडल वाले लेयर में हमें येल्लो ढूंढना है। तो ये येल्लो है, इसके पीछे ब्लू कलर है, तो अभी ब्लू को ढूंढना है। तो ब्लू यहाँ पे एंड फिर येल्लो को सामने लाना है, ये येल्लो हमारा येल्लो ब्लू वाला, तो ये सामने है, यहाँ पे लगेगा। लेकिन पिछली दो बार जो हमने लगाया वो यहाँ पे था एंड इस बार लेफ्ट साइड में, तो वही फार्मूला हमें मिरर में यूज़ करना है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे था तो हमने राइट डाउन किया था, तो अब ये फार्मूला अगर लेफ्ट में तो अलग फार्मूला, मतलब वही फार्मूला लेकिन लेफ्ट से पहले स्टार्ट करना है। तो फार्मूला ऐसा है, लेफ्ट डाउन लेफ्ट अप राइट अप, तो जिस साइड में येलो होता है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले राइट में था तो हमने राइट डाउन राइट अप लेफ्ट अप किया था एंड अब ये लेफ्ट में था इसलिए हमने लेफ्ट डाउन राइट अप एंड हमारा जो येल्लो सॉल्व हो जाएगा। और भी दो कंडीशन है जो मैंने आपको नहीं बताई। तो कभी कभी आपका येल्लो पूरा सॉल्व नहीं होगा एंड मिडल वाली जो लेयर है उसमें आपको येल्लो नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते यहाँ पे येल्लो सॉल्व हुआ, ऐसा लग रहा है मिडल वाले लेयर में येल्लो नहीं मिल रहा है हमें एंड ये लेयर भी सॉल्व पूरा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। आपको लगेगा येल्लो सॉल्व है लेकिन ये कलर मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसमें दो कलर तो मैच हो रहे हैं लेकिन एक कलर उल्टा लगा है। तो इसका रीज़न यही कि जो पीसेस येल्लो के हैं वो यहीं पे उल्टे लगे होते हैं या फिर अलग अलग जगह पे लगे होते हैं, अपनी जगह पे नहीं लगे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो भी गलत येल्लो का पीस है वहाँ पर आपको कोई भी पीस लगा देना है, वही फॉर्मूले से जो आपने पहले सीखा है। तो अगर इस पीस को आप येल्लो कंसिडर करके यहाँ पे लगाओगे तो ये येल्लो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है ताकि ये पीस जो गलत पीस है वो बाहर निकलेगा।
तो राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप, तो हमारे पीस बाहर निकला। अभी देखना है ये येलो वाला है, इसके साइड में ग्रीन है, तो ग्रीन सामने रखना है, यानी ग्रीन सामने रखने के बाद इस पीस के येलो साइड को सामने रखना है। एंड जबकि येलो हमारे राइट में है तो राइट से फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप, एंड हमारा येलो सॉल्व हो जाएगा। इस केस में दो पीस है, दो एच पीस अलग अलग जगह पे लगे हैं, तो यहाँ पे भी जो भी गलत पीस है वहाँ पे कोई भी पीस लगाना है, जैसे कि ये पीस हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप। एंड अभी देखना है कि इसके पीछे कौन सा कलर है, ये येलो है, इसके पीछे रेड कलर है, तो रेड में जाएंगे एंड फिर इसको येल्लो को सामने लाएंगे, तो येल्लो रेड हमारे सामने है, येल्लो हमारे एग्जैक्ट फ्रंट में है, तो लेफ्ट साइड से इसको लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड से लगाने का फॉर्मूला, लेफ्ट डाउन राइट डाउन लेफ्ट अप राइट अप। देन फिर से मिडल लेयर में हम येल्लो ढूंढेंगे, ये येल्लो इसके पीछे ब्लू है, ब्लू ढूंढेंगे बॉटम लेयर में, उसको सामने पकड़ेंगे एंड फिर इस येल्लो को सामने लाएंगे। तो इसको ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको यहीं पे पकड़ना है, येल्लो को ही सामने रखें तब ये येल्लो नीचे लगेगा। तो ये राइट में इसलिए फॉर्मूला, राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप। तो इसी तरह आपका जो है एक लेयर बन जाएगा सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके। तो ये एक लेयर हमारा हो गया है, अभी हमारी बनाना है सेकंड लेयर एंड इसके साथ ये क्यूब मतलब ये पिरामिड जो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही एल्गोरिथम एक्स्ट्रा जो आपको सीखनी पड़ेगी, तो इसके बाद टोटल 5 या 6 केसेस है एंड सभी को आप सिर्फ 2 एल्गोरिथम की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि एक भी जो एज है सेकंड लेयर में वो सॉल्व है कि नहीं, तो अगर एक भी एज सॉल्व नहीं मिलती आपको तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है, तो पहले मैं 3x3 पे आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ सून केस की तरह है, जैसे सून केस हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें डबल मूव है ही नहीं, मतलब इसमें सिर्फ आपको जो ऊपर वाला लेयर है आगे ही करना होता है एंड लेफ्ट वाला लेयर है ऊपर नीचे करना होता है। तो ये ऊपर आगे नीचे आगे ऊपर आगे नीचे, मतलब इसको ऊपर करके इसको बाहर निकालना है, फिर इसको लगाना है, देन इसको पीछे करना है, देन फिर से इसको ऊपर करके इसमें लगाना है। तो ऐसे ही करना होता है इसमें, मतलब ऊपर आगे नीचे आगे ऊपर आगे नीचे आगे, एंड ऐसे करते करते ये पीस फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ऊपर आगे नीचे आगे ऊपर आगे नीचे, इससे क्या होगा कि हमारा एक जो एज है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये सॉल्व नहीं है, ये भी सॉल्व नहीं है एंड ये भी सॉल्व नहीं है, तो फिर से एक बार करना है हमें, ऊपर आगे नीचे आगे ऊपर आगे नीचे, तो ये फिर से सॉल्व हो गया। एंड अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक एज हमारा सॉल्व हो गया है, तो इसको अभी हमें मैच करना है। तो एक एज सॉल्व हो जाने के बाद आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक अलग फॉर्मूला है, मतलब पिछले वाले जो फॉर्मूला है वही बार बार आपको रिपीट करना है, लेकिन कौन सी सिक्वेंस में आपको रिपीट करने वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आपको 2 एजेस मिले जो वहीं पे फ्लिप हो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको तो ये वाली केस यूज करनी है, जब आपको ये वाला येल्लो यहाँ पे लगाना होता है तो आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वही आपको यहाँ पे लगाना है। तो इस येल्लो को हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से, राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप, तो वही फॉर्मूला अभी हमें इस पे यूज करना है। तो राइट डाउन लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट अप, अभी आपको लगेगा कि ये बिगड़ गया है, तो इसको बस एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब इस साइड में रेड है उसको नीचे पकड़ना है, फिर रेड को सॉल्व करना है। तो रेड को सॉल्व करने के लिए हमें लगेगा रेड पीस जो कि यहाँ पे है, एंड फिर वही फॉर्मूला हमें लेफ्ट से यूज करना है इसको यहाँ पे लगाने के लिए, लेफ्ट डाउन राइट डाउन लेफ्ट अप राइट अप, एंड हमारा जो पूरा पिरामिड है सॉल्व हो जाएगा। तो यही स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। तो लास्ट लेयर में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, तो ये भी एक अलग कंडीशन है, ये आपको आ सकती है। तो एक भी एज यहाँ पे सॉल्व नहीं है तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे हमें एक एज सॉल्व मिलेगी। तो अभी एक भी एज सॉल्व नहीं तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट अप आगे डाउन आगे अप आगे डाउन। तो अभी भी एक भी एज हमें सॉल्व नहीं मिली इन तीनों में से, फिर से वही रिपीट करना है, अप आगे डाउन आगे अप आगे डाउन, एंड पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा।
तो यही दो कंडीशन है, एक कंडीशन में आपको एक एज सॉल्व मिलेगी, फिर दो एज सॉल्व करने के लिए पीछे वाला फार्मूला यूज करना है, एंड दूसरे कंडीशन में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, मतलब लास्ट लेयर को सॉल्व करने के पूरे 5 फार्मूले आप याद कर सकते हैं एंड अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमारा जो पिरामिड सॉल्व हो जाएगा पिछले वाले सभी फार्मूला का यूज करके, लेकिन थर्ड लेयर को डायरेक्टली एक ही फार्मूला में सॉल्व करने के लिए टोटल 5 केसेस है, वो हमको अभी दिखाने वाला हूँ। तो जिन्हें सिर्फ सॉल्व करना है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें स्पीड इम्प्रूव करना है वो यहाँ से आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो केसेस है वो है यूपम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड जो है वो जाएगा इस साइड में, तो ये यूबीपम है जो कि क्लॉकवाइज जाएगी, एंड इसमें जो है सामने ब्लू है वो जाएगा राइट साइड में, तो ये भी तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बनेगी हमारी यूपम। तो यूपम को सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में ये ऊपर आगे, मतलब एल प्राइम यू प्राइम एल यू एल प्राइम यू प्राइम एल प्राइम, इसे सॉल्व हो जाएगा। एंड इसके लिए सेम फार्मूला लेकिन राइट से, क्योंकि ये जा रहा है लेफ्ट में तो हम फार्मूला यूज करना होगा राइट में, ये जा रहा राइट में तो फार्मूला यूज किया लेफ्ट में, तो इसी तरीके से राइट से फार्मूला यूज करेंगे, अप आगे डाउन आगे अप आगे डाउन, एंड ये सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट दो जो केसेस है वो सिमिलर है लगभग, जिनमें एक भी एज सॉल्व नहीं है टॉप लेयर का, मतलब जो ये वाला ऊपर वाला लेयर है उसका, लेकिन इसमें दो बार मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये बार, तो इसमें राइट साइड वाला बार है, यहाँ पे बार है यहाँ पे बार है, लेकिन दोनों राइट साइड, देखो राइट साइड में बार है राइट साइड में बार है, एंड ये वाली केस है इसमें लेफ्ट साइड में बार है लेफ्ट साइड में बार है। तो यहाँ पे हमें जो राइट साइड वाला बार है उसको ऐसे पकड़ना है, एंड लेफ्ट साइड वाले बार को हमेशा हम लेफ्ट साइड में पकड़ते हैं, दूसरा वाला पीछे, एंड राइट साइड वाला राइट साइड में, दूसरा वाला लेफ्ट साइड में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस केस को राइट वाले बार को आपको इस ऑयल की तरह सॉल्व करना है, एफ देन रिवर्स सेक्सिम एफ प्राइम, तो उसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो एफ यहाँ पे पकड़ना है आपको, अभी एफ राइट साइड वाला बार है उसको ऐसे पकड़ना है, एफ देन रिवर्स सेक्सिम एंड एफ प्राइम, ये सॉल्व हो जाएगा। एंड लेफ्ट वाला बार है उसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है, लेफ्ट में एफ एंड अभी सेक्सी मूव करना है एंड एफ प्राइम, एंड ये केस आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड सबसे एंड में ये वाली केस जिसमें दो एजेस फ्लिप होते हैं, तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो यहाँ पे स्लेज हैमर रोटेट करके लेफ्ट की स्लेज हैमर, एंड दूसरा तरीका यह है कि आप बिना रोटेशन के कर सकते हैं, यहाँ पे स्लेज हैमर देन रोटेट करने की जगह आप इस येल्लो को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, एंड आपका जो है पिरामिड सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं लाऊंगा L4E के वीडियोस, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो जल्द ही लाऊंगा L4E के वीडियोस भी। इसके लिए लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।